धरती का अंत एक दिन होना ही है, लेकिन कब और कैसे होगा? इसका जवाब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिकल साइंस के प्रोफेसर सर जॉन रिचर्ड्स ने सालों पहले दिया था। लेकिन अब समय अलग है, धरती की हालत भी अलग है, और इसी को देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाई, जिसमें उन्होंने सबसे एक सवाल पूछा कि आखिर अब कितना समय बचा है धरती और इंसानों के खत्म होने में। और इस बैठक का जो नतीजा निकला उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इंसान अपनी आधी जिंदगी जी चुके हैं और अब इंसानों का अंत नजदीक आता जा रहा है। हम इंसान अभी एक टेक्नोलॉजिकल जीवन में जी रहे हैं जो कुछ सदियों तक तो जीवित रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्या इस भविष्य को बदला जा सकता है? क्या धरती में जो जीवन है और हम इंसानों को खत्म होने से रोका जा सकता है? इसके बारे में प्रोफेसर एवी लोएब का कहना है कि जिस तरह से इंसान धरती की हालत दिन ब दिन खराब करता जा रहा है, उससे यही लगता है कि इंसान अब और ज्यादा दिन धरती पर जीवित नहीं रह पाएगा और हो सकता है कि हमें मजबूरन स्पेस में जाके रहना पड़ सके। प्रोफेसर एवी लोएब ने कहा है कि जिस तरह से इंसान खुद ही महामारियों को विकसित करते जा रहे हैं, इससे हो सकता है कि वो खुद ही इंसानी दुनिया का विनाश कर बैठे। फिजिक्स का साधारण मॉडल कहता है कि हम सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बने हैं और इसमें अलग से कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, और इसीलिए प्रकृति का नियम कहता है कि हमें मौलिक स्तर पर इनमें छेड़छाड़ करने का कोई हक नहीं है, और अगर इसमें कोई छेड़छाड़ की गई तो इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। एवी लोएब कहते हैं कि इंसानी सभ्यता कब खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये भविष्य में होने वाले तकनीकी विकास पर ही निर्भर करता है। कई लोगों के मन में ये ख्याल भी आ रहे होंगे कि इतने करोड़ रुपए जो हम स्पेस में जीवन ढूंढने के लिए लगा रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इन करोड़ों रुपए का इस्तेमाल धरती को बदलने में भी तो कर सकते हैं। एवी लोएब ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि धरती पर रहकर ही खत्म होने से तो ज्यादा अच्छा है हम स्पेस में जाके नए जीवन की खोज करें, और इस वक्त तो इंसानों की दूसरी पृथ्वी मंगल ग्रह ही नजर आ रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मंगल ग्रह पे जाके आसानी से एक नया जीवन बसा सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मंगल ग्रह पे क्या हम सभी इंसानों को ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि हो सकता है मंगल तक जाने के दौरान कॉस्मिक रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, सांस लेने लायक एनवायरनमेंट की कमी और कम ग्रेविटी हमें जीवन बसाने से पहले ही खत्म कर दे। लेकिन अगर हम मंगल ग्रह पर अपना जीवन बसा लेते हैं तो इसका फायदा ये भी होगा कि वहां से हम टेराफॉर्म प्लैनेट्स की खोज कर सकते हैं। खैर, अभी तो ये किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, और ये तो हमें भविष्य में जाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर भविष्य में क्या होना है। खैर, इन सब बातों से हमें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब होने में सदियों लग जाएंगे और इसमें भी काफी लंबा समय बचा है। खैर, आपने धरती के अंत के बारे में इतना कुछ तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि धरती पे जो एलिमेंट लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन, अगर वो डबल हो जाए तो क्या होगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर से देखें, हो सकता है आपको ये वीडियो भी पसंद आ जाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।